हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आज हम आपको एक कलर की डिज़ाइन बनाना बताएंगे। डिज़ाइन जाली वाली प्लस उल्टे सीधे की डिज़ाइन के कारण बहुत सुंदर लगती है। इसको जो है चार मल्टीपल में फंदे बनाने हैं, लेने हैं। स्वेटर में आप चार चार के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए, आपका ये बन जाएगा। किनारे के लिए दो फंदा आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। तो फ्रेंड देखिए, इसको जेंट्स स्वेटर में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, कोटी में, कार्डिगन में, कहीं भी इसको आप डालिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, कैप में। तो इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, किनारे एक फंदा ऐसे उतार लेते हैं और एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा। इसी तरह से ये पूरी सिलाई रिपीट होगी। देखिए, एक किनारे का है और एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा। इसी तरह से पूरी सिलाई बनाते जाइए, डिजाइन बनती जाएगी। पहली सिलाई इसी तरह से बनेगी, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा। तो जैसे इधर है एक एक्स्ट्रा फंदा है और एक सीधा है, उसी तरह से यहाँ भी, इधर भी एक सीधा और ये किनारे वाला। अब फ्रंट देखिए, इसको दूसरी सिलाई हम आ गए। दूसरी सिलाई में हमें सारे फंदों को उल्टा बुन देना है। उल्टे के तरफ से हमें डिजाइन नहीं बनाना है, इसलिए जो है स्वेटर की बुनाई भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। ये डिजाइन बनाना बहुत आसान है। तो इस सिलाई को हम पूरा कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, तीसरी सिलाई, डिजाइन की तीसरी सिलाई, किनारे का फंदा उतार लिया और ये जो फंदा सीधा बुने थे, फर्स्ट सिलाई की तरह थर्ड सिलाई भी बुनी जाएगी। एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके, तीन फंदा उल्टा। इसी तरह से तीसरी सिलाई बनानी है। फिर आ गए चौथी सिलाई पर। चौथी सिलाई पर हमें जो है सारे फंदों को जैसे सेकंड सिलाई में बनाए थे, उसी तरह से ये फोर्थ सिलाई में भी बुनाई करना है। सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए सिलाई को पूरा करेंगे। अब देखिए डिजाइन की पांचवी सिलाई। पांचवी सिलाई में किनारे वाला फंदा उतार लिया और देखिए, अब यहीं से डिजाइन, थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये जो हमारा ये सीधा सीधा दिख रहा है, इसको हम ऐसे घुमा लेंगे और ऐसे घुमाने के बाद दोनों फंदे को एक साथ ऐसे बुन देंगे। दोनों फंदे को एक साथ बुन देंगे और यहाँ हमारा एक फंदा घट गया है, यहाँ हम जाली बनाएंगे। और जो ये हमारा तीन फंदा उल्टा है, तीनों के बीच में एक फंदा की बार हमारा सीधा जाएगा, तो हमारा यही बीचों बीच वाला फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर जाली बढ़ाएंगे। अब की बार ये जो सीधा फंदा दिख रहा है और इसके किनारे एक उल्टा है, एक उल्टा, तीनों का एक करना है। तो इसको आसान तरीके से बनाने के लिए ऐसे हम दोनों फंदे को ऐसे ऐसे उतार लेंगे और तीसरा फंदा ऐसे बुनेंगे और यहाँ जाली भी बढ़ानी है। तो ऐसे हम बुनाई इसकी करते हैं एक फंदे की और इस दोनों फंदे को ऐसे ऊपर से उतार देंगे। तीन का एक हो गया, फिर जाली बढ़ाएंगे, ये बीचों बीच वाला फंदा इसको हम सीधा बनाएंगे, फिर जाली बढ़ाएंगे,
फिर उसी तरह से जैसे इसको तीन का एक किए थे, तीनों का एक करना है। तो आसान तरीके से बनाने के लिए इसको हम ऐसे स्लाइस उतार लेते हैं और तीसरे फंदे को ऐसे बुन देंगे और ये दोनों फंदे को ऐसे फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। यहाँ जाली बढ़ाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे, यहाँ जाली बढ़ाएंगे, फिर तीनों का एक करेंगे। ऐसे दोनों को उतार लेते हैं, तीसरे फंदे में ऐसे बुनाई करेंगे, तीसरे फंदे में ऐसे बुनाई करेंगे और ये दोनों फंदे को ऐसे ऊपर से ले जा करके ऐसे उतार देंगे। धागा आगे करके जाली बढ़ाएंगे, ये बीच वाला फंदा हम सीधा बुनते हैं, फिर जाली बढ़ाएंगे। यहाँ किनारे की वजह से हमको दो ही फंदा एक साथ बुनना है, नहीं तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ किनारे दो ही फंदा एक साथ बुनना है। और यहाँ दो फंदा एक साथ बुने थे, यहाँ दो फंदा एक साथ बुने थे और एक किनारे वाला फंदा बुन लेते हैं। अब आ गए छठवीं सिलाई पर। छठवीं सिलाई पर देखिए उल्टे की तरफ से किनारे वाला फंदा उतार लेंगे और इसको जो है उल्टा बनाएंगे। तो देखिए जाली वाले फंदे को भी उल्टा बनाएंगे और जो उल्टा बुनी ये भी उल्टा बनाएंगे और सबको उल्टा बुनते हुए सिलाई पूरा करेंगे। देखिए इसी तरह से सिलाई पूरा करेंगे। अब देखिए डिजाइन की सातवीं सिलाई सीधे की तरफ से किनारे का फंदा उतार लिया और इसको जो है ये जो सीधा सीधा दिख रहा है अब की बार यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, अब की बार यहाँ पर उल्टा हो जाएगा और ये वाला फंदा सीधा जाएगा। तो इसके किनारे किनारे तीन फंदा उल्टा, एक फंदा किनारे, यहाँ दो फंदा उल्टा पड़ेगा। धागा आगे करेंगे, दो फंदा किनारे की वजह से दो ही फंदा पड़ेगा, धागा पीछे करेंगे और इसको जो है सीधा बुनेंगे। धागा आगे करके तीन उल्टा, जैसे फर्स्ट सिलाई बुने थे उसी तरह से इस सिलाई को भी एक सीधा, धागा आगे करके तीन उल्टा, तीन उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। उल्टे के तरफ से पूरा उल्टा ही रहेगा, किनारे की वजह से दो ही फंदा उल्टा रहेगा, किनारे वाला फंदा भी बुन लेते हैं। उल्टे की तरफ हम पूरा उल्टा उल्टा बुन करके पूरा करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जैसे हम नीचे दो धारी बनाए थे उसी तरह से इसको भी एक धारी हमारा हो गया है, एक धारी ये हो गया है, एक धारी और बना के फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। ये तीन उल्टा एक सीधा, तीन उल्टा एक सीधा बुन इधर बुनेंगे, उल्टे की तरफ से सारे फंदों को उल्टा बुन करके फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम दो धारी बना लिए हैं, दो धारी हमारा यहाँ बन गया है जैसे नीचे बनाए थे। उसके बाद अब की बार जाली वाला बनाना है। तो किनारे वाला फंदा हम इसको उतार लेते हैं। अब देखिए ये जो है ये तीनों फंदे को एक करना है, ये तीनों फंदे को एक करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, धागा पीछे ही रहेगा, तो एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाते हैं, एक फंदा सीधा बनाएंगे और उसके बाद यहाँ जाली बढ़ाएंगे। धागा आगे कर लेंगे तो जाली बढ़ जाएगा और तीन का एक करना है। जैसे यहाँ पर तीन का एक किए थे उसी प्रकार यहाँ भी तीन का एक करना है। तो ऐसे हम दोनों फंदे को उतार लेंगे और तीसरे फंदे में से बुनाई करेंगे और ये दोनों फंदे को ऐसे फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे।
जैसे यहाँ पर बनाए थे उसी तरह से ये भी बनेगा। फिर धागा आगे करेंगे। अब की बार हम यहाँ पर ये जो सीधा सीधा दिखाई देता है तो अब की बार इसके ऊपर बनेगा, इन तीनों उल्टे के बीच में बनेगा। धागा आगे करेंगे तो फ्रेंड देखिए इसी तरह से डिजाइन बनती चली जाएगी। और हम थोड़ा इसको बड़ा करके तो फ्रेंड देखिए ये डिजाइन जो है इस तरह से, ये देखिए जाली वाला प्लस उल्टा सीधा के कॉम्बिनेशन में ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड देखिए अगर हमारी ये डिजाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये कलर का डिजाइन कैसा लगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।